आराध्य ब्यूटी एसोसिएशन की ओर से नागपुर में इंडियाज बेस्ड आर्टिस्ट का आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड के एक्ट्रेस ईशा देओल और इंडियन टीवी एक्ट्रेस सारा अली खान उपस्थित हुए। इस दौरान वन डे लुक एंड लर्न सेमिनार का आयोजन भी किया गया था। पेश है इस कार्यक्रम की एक झलक। बुलाया हुआ है और टीवी एक्ट्रेस सारा खान उनको भी उन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है और उन्होंने इस शो में चार चांद लगा दिए। बस ये शो का मोटिव है कि जो बेस्ट से बेस्ट आर्टिस्ट है ऑल ओवर इंडिया से, आप देख रहे होंगे शायद इस शो में बाहर से भी, मतलब बांग्लादेश और भी बाहर, MP, UP, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, पंजाब, बहुत जगह से यहाँ पे लोग आए हुए खासकर इस अवार्ड शो के लिए। एक्चुअली कैसा है ना, देखो ये जो खूबसूरती है ये बिना मेकअप के तो हो नहीं सकती और औरतों को खूबसूरती के बिना तो मज़ा ही नहीं आएगा, तो इसके लिए मेकअप आर्टिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ में उन लोगों को मोटिवेट करते रहना चाहिए जिससे उनको ऐसा लगे कि मैं इससे बेस्ट टू बेस्ट मतलब मैं मेकअप दे सकूँ। तो बस यही है, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी कि मिसेज महाराष्ट्र बनने के बाद में मतलब बनने के पहले तो इतने सपने नहीं रहते, लेकिन बनने के बाद तो मतलब बहुत कुछ ऐसा लगता है कि मुझे एज ए सोशल वर्क काम करना चाहिए या मुझे ऐसे लाइक मैं किस तरह से मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, किस तरह से मैं लोगों को जागरूक कर सकूँ, बस मैं इतना कहना चाहूँगी। और सेकेंड थिंग, आपने मुझसे जो पूछा है कि मैं लोगों को मतलब कैसे जागरूक, बस इतना ही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे पेजेंट शोज आपको करने चाहिए तो आप आगे आइए और ऐसे शो का आनंद लीजिए। बहुत कॉन्फिडेंट मतलब बहुत कॉन्फिडेंस लगता है इसके लिए, बट अगर आप एक बार इस शो में आ गए कि वो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही एकदम हाई होने लगता है, तो बस आइए, वेलकम है ऐसे शोज के लिए, आप जाइए और करिए। नमस्ते, मैं मेघा कपूर। जैसे इन्होंने कहा कि मैं ब्यूटी प्लस ब्रेन हूँ, तो थोड़ा थोड़ा हूँ, ज़्यादा नहीं। आराध्या एसोसिएशन में जो पुरोहित जी ने प्रोग्राम जो सब लेडीज़ के लिए, ब्यूटिशियंस के लिए जो ऑर्गेनाइज़ किया है,
ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमेशा ऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज करती हैं, और इन्होंने कभी भी लेडीज़ को बहुत आगे बढ़ाने की पूरी पूरी अपनी ताकत लगाई है। और मैं इनके शो से करीबन काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई सेलिब्रिटी नागपुर में आती हैं, पुरोहित जी या कोई भी ऑर्गेनाइज़र लेके आते हैं, तो पहली अपॉर्चुनिटी मेघा कपूर के पास आती है। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, और कोशिश करूँगी हमेशा कि अपना बेस्ट। का जो सवाल है बहुत गंभीर है। तो इन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस होल्डर क्या मायने रखता है, तो आज मैं 27 ईयर का एक्सपीरियंस लेके आपके सामने खड़ी हूँ। 27 साल हो गए हमारी एकेडमी को, मेरे बिजनेस को। और एक्सपीरियंस का अगर बोला जाए ना दी, तो मैं दो शब्दों में इस बात को ख़त्म करूँगी। जो एक्सपीरियंस यानी महागुरु, एक्सपीरियंस जिसको हाँ महागुरु बोलते हैं जिसको, और जो महागुरु होता है ना, वो अपने थ्रू कई सारे ऐसे स्टूडेंट को ईजाद करता है, जन्म देता जाता है ताकि उनकी रोजी रोटी बढ़े। वो होता है एक्सपीरियंस होल्डर मास्टर। और जो नए आर्टिस्ट होते हैं उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर मंजिल दूर नहीं। देखिए, दो तरह के रास्ते होते हैं हर जगह पे, जाना कैसा है हमारे ऊपर है। ये फील्ड बहुत खूबसूरत है, अगर आप इसको ईमानदारी से इस पे चलते हैं तो इससे बड़ी जन्नत कोई नहीं है। और हमारी एकेडमी से ज़्यादा शब्द नहीं बोलूँगी, जो जो सीख के गया है उसने वो अपने पांव पे खड़ा है। ये मैं नहीं कहती, अब तो ये इतिहास में भी कहा जाता है।